أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم Welcome to lecture 7 Before starting lecture 7 हम देखते हैं कि हमने previous lecture 6 में क्या क्या पढ़ा था हमने lecture 6 में जो main topic पढ़ा था that was series circuits हमने जो सबसे पहले topic पढ़ा था that was resistors in series We studied that how to connect resistors in series. Then we learned current in a series circuit is same. फिर हमने देखा था total resistance in series circuit. Total resistance को हम कैसे find out करते हैं? Resistance of all individual resistors connected in series circuit को हम add करते हैं तो हमारे पास total रेजिस्टेंस आ जाती है उसके बाद हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ हमने ओम्स लॉ को सीरीज सर्किट के ऊपर अप्लाई करके वोल्टेज फाइंड आउट करना सीखा था इसी तरह हमने करंट और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट किए थे फिर हमने बात की थी वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज कि वोल्टेज सोर्सेज अगर सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बाद हमने बात की थी अ वेरी इम्पोर्टेंट लॉ विच इज़ नॉन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज़ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज फिर हमने बात की थी वोल्टेज डिवाइडर की कि वोल्टेज डिवाइडर को सर्किट पे कैसे अप्लाई करके सर्किट में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेजेस फाइंड आउट की जा सकती हैं लेक्चर 7 सीरीज सर्किट इस लेक्चर में हम जो तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला है पावर इन सीरीज सर्किट हम सीरीज सर्किट में पावर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि टोटल पावर सीरीज सर्किट में कैसे कैलकुलेट की जा सकती है फिर हम एक सर्किट में पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करना और कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे सीरीज सर्किट्स रिलेटेड और सीरीज सर्किट्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं और जो दो टॉपिक्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर इन सीरीज सर्किट एंड वोल्टेज मेजरमेंट उनसे रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे पावर इन सीरीज सर्किट The total amount of power in a series resistive circuit is equal to the sum of the powers in each resistor in series. Power हमने जैसे कि previous lecture में हमने पढ़ा था कि power is equal to V I. Power की एक और form भी हमने पढ़ी थी That was I square into R. और जो पावर की थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी वो थी V square by R. ये जो फार्मूलाज हैं इनको वॉट्स लॉ कहते हैं और अगर आपने किसी एक सिंगल रेजिस्टर की पावर फाइंड आउट करनी हो तो उस रेजिस्टर के क्रॉस जितनी वोल्टेज होगी और जितना करंट उसमें से पास कराओगा तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस रेजिस्टर की पावर आ जाएगी इसी तरह आपके पास रेजिस्टर की वैल्यू गिवन हो आर और आपके पास जो करंट उसमें से पास हो रहा है वो गिवन हो तो आप पावर को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद हमने एक और फॉर्म भी देखी पावर की वी स्क्वायर बाय आर अगर आपको सर्किट में उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है और आपको उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड गिवन है तो आप इस फार्मूले से भी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं तो अगर इसी तरह आपके पास एक सर्किट हो जिसमें एन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हों तो आप हर रेजिस्टर की अलग अलग पावर फाइंड आउट करेंगे पी वन पी टू पी थ्री एंड पी एन तक और इन सब पावर्स को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल पावर ऑफ द सीरीज सर्किट आ जाएगी और टोटल पावर को फाइंड आउट करने के लिए आप
ये तीन फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्किट की सोर्स वोल्टेज पता हो और टोटल करंट पता हो तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी। इसी तरह आपको सीरीज सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पता हो और उसमें से टोटल कितना करंट पास करा वो पता हो तो आप इस फार्मूले से पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको सीरीज सर्किट की सोर्स वोल्टेज पता हो और टोटल रेजिस्टेंस पता हो तो आप पावर टोटल पावर इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू पावर। डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ पावर इन द सीरीज सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने टोटल सर्किट पावर कैलकुलेट करनी है। आपके पास इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपके पास फोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं R1, R2, R3 एंड R4। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं। आपको R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज गिवन है। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 18 ओम, R3 इज इक्वल टू 56 ओम एंड R4 इज इक्वल टू 22 ओम। और इसी तरह आपको VS भी गिवन है, VS इज इक्वल टू 15 वोल्ट। क्योंकि ये चारों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप R टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इन चारों को आप सीरीज में ऐड कर लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जब आप इसमें R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा 106 ओम। अब आपके पास इस सर्किट का टोटल RT भी आ गया है, आपके पास इस सर्किट की टोटल सोर्स वोल्टेज भी गिवन है, तो आप पावर का फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर। और इसमें आपके पास जहां पे ये होगा VS। जब आप इस फार्मूला में VS की वैल्यू 15 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय जो आपके पास RT है दैट इज 106, आपके पास टोटल पावर आ जाएगी 2.12 वॉट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में टोटल पावर फाइंड आउट कर ली है। टोटल पावर को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है कि आप हर रजिस्टर की अलग अलग पावर फाइंड आउट करें और उन सब पावर्स को ऐड कर लें तो उस तरह भी आपके पास टोटल पावर आ जाती है। तो हम उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास टोटल करंट इस सर्किट में आ जाएगा VS बाय RT के इक्वल। और जब आप इसमें VS की वैल्यू 15 वोल्ट पुट करेंगे और RT की वैल्यू आप 106 ओम पुट करेंगे तो आपके पास टोटल करंट इसमें आ जाएगा 142 मिली एम्पियर्स। जब आपके पास टोटल करंट ये आ जाएगा तो अब आप को पता है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट फ्लो। तो अब हम हर रेजिस्टर की अलग अलग पावर फाइंड आउट करते हैं। P1 इज इक्वल टू I जो हमने करंट पहले फाइंड आउट किया है
आई स्क्वायर इंटू आर वन। इसी तरह पी टू को हम फाइंड आउट करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर टू। पी थ्री इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर थ्री एंड पी फोर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर फोर। तो जब आप इस फार्मूले में आर वन की वैल्यू पुट करेंगे और करंट की वैल्यू पुट करेंगे टोटल करंट की, तो आपके पास पी वन आ जाएगा 200 मिली वॉट के इक्वल। और जब आप इसमें पी टू के लिए इसमें आप करंट की वैल्यू टोटल करंट की वैल्यू पुट करेंगे और आर टू की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी टू आपके पास आ जाएगा 360 मिली वॉट। और पी थ्री के लिए आप करंट की सेम वैल्यू पुट करेंगे और आर थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1.12 वाट पावर। और इसी तरह पी फोर के लिए आपने करंट की वैल्यू वही पुट करनी है और आर की वैल्यू पुट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 441 मिली वॉट। अब ये आपके पास हर रजिस्टर की अलग से पावर आ गई है। तो सीरीज रजिस्टर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि टोटल पावर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड प्लस पी फोर, तो आप पी वन की जगह 200 मिली वाट पुट करें, पी टू की जगह 360 मिली वाट पुट करें, पी थ्री की जगह 1.12 वाट पुट करें और पी फोर की जगह 441 मिली वाट पुट करें और इन सबको ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी 2.12 वॉट। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने दो तरीकों से सॉल्व किया है और दोनों तरीकों से इसमें टोटल पावर सेम आ रही है। जो इस स्लाइड में हमने इसको सॉल्व किया है, ये डायरेक्ट और सिंपल मेथड है। इसमें आपको जस्ट आर टी फाइंड आउट करना है और वी एस ऑलरेडी गिवन है, उन दोनों को आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 2.12 वाट। लेकिन सेकंड मेथड में आपने आई टी फाइंड आउट करना है और फिर हर रजिस्टर की अलग से पावर फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, और उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास पावर टोटल पावर आ जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू पावर। डिटरमिन इफ द इंडिकेटेड पावर रेटिंग 1/2 वॉट ऑफ ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज सफिशिएंट टू हैंडल द एक्चुअल पावर। इफ अ रेटिंग इज नॉट एडिक्वेट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड मिनिमम रेटिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें हर रजिस्टर की पावर रेटिंग गिवन है विच इज 1/2 वॉट, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो सर्किट की पावर है क्या वो इस रजिस्टर को डैमेज करेगी या नहीं। तो हमने सर्किट की पावर कैलकुलेट करना है, फिर इस पावर को कंपेयर करना है विद द पावर रेटिंग्स ऑफ ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट का आर टी। आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। जब आप इसमें आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि 1 किलो ओम, 2.7 किलो ओम, 9-10 ओम और 3.3 किलो ओम है, तो आपके पास आर टी आ जाएगा 7.91 किलो ओम के इक्वल। इसके बाद हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। आई टी इज इक्वल टू वी एस बाय आर टी। इसमें जब आप वी एस की वैल्यू 120 पुट करेंगे और आर टी की वैल्यू
7.91 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास आईटी की वैल्यू आ जाएगी 15 मिली एम्पियर। अब आपके पास सर्किट का टोटल करंट आ गया है एंड एज वी नो दैट इन सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, सो द करंट पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टर इज सेम विच इज आई टी। अब हम सबसे पहले रेजिस्टर वन की पावर फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, तो पी वन इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर वन। जब आप इसमें टोटल करंट की वैल्यू पुट करेंगे और आर वन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 किलो ओम है, तो आपके पास पी वन आ जाएगा 225 मिली वॉट। इसी तरह पी टू हम फाइंड आउट करते हैं। पी टू इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर टू। अब इसमें आप करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पियर पुट करेंगे और आर टू की वैल्यू आप पुट करेंगे 2.7 किलो ओम, तो आपके पास पी टू आ जाएगा 608 मिली वॉट। इसी तरह पी थ्री हम कैलकुलेट करते हैं। पी थ्री इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर थ्री, तो इसमें अगेन आप आई की वैल्यू 15 मिली एम्पियर पुट करेंगे और थ्री की वैल्यू आप 910 ओम पुट करेंगे, तो आपके पास पी थ्री आ जाएगा 205 मिली वॉट। और इसी तरह पी फोर आप फाइंड आउट करेंगे। पी फोर इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर फोर, तो इसमें आप करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पियर पुट करेंगे और आर फोर की वैल्यू 3.3 किलो ओम पुट करेंगे, तो आपके पास पी फोर की वैल्यू आ जाएगी 743 मिली वॉट। अब आपके पास हर रजिस्टर की पावर आ गई है। रजिस्टर आर वन की पावर 225 मिली वॉट आई है, रजिस्टर आर टू की पावर 608 मिली वॉट आई है, रजिस्टर आर थ्री की पावर 205 मिली वॉट आई है एंड रजिस्टर आर फोर की पावर 743 मिली वॉट आ गई है। अब आप इन पावर्स को कंपेयर करें विद द पावर रेटिंग ऑफ ईच रेजिस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं आर वन की। आर वन की पावर रेटिंग गिवन है 1/2 वाट विच इज इक्वल टू 0.5 वाट। अब 0.5 वाट को आप जब कंपेयर करेंगे 225 मिली वाट के साथ, तो हम देख सकते हैं कि 225 मिली वाट इज इक्वल टू 0.225 वॉट। तो पॉइंट पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर आर वन विच इज पॉइंट वॉट इज ग्रेटर देन द पावर इन रेजिस्टर आर वन विच इज 0.225 वॉट। सो वी कैन से दैट दिस रेजिस्टर विल नॉट डैमेज एंड दिस रेजिस्टर कैन हैंडल द पावर इन दी सर्किट। अब हम बात करते हैं आर टू की, जिसकी पावर रेटिंग गिवन है आपको अगेन 1/2 वॉट विच इज इक्वल टू 0.5 वॉट। और जो हमने इसकी पावर फाइंड आउट की है सर्किट में आर टू की, वो आपके पास बनती है 0.608 वॉट। अब क्योंकि ये जो पावर है 0.068, इट इज ग्रेटर देन द पावर रेटिंग ऑफ द रजिस्टर विच इज 0.5 वॉट, सो दिस रेजिस्टर कैन बर्न आउट। इसी तरह हम आर थ्री की जब बात करते हैं तो उसकी अगेन पावर रेटिंग 0.5 गिवन है, लेकिन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है दैट इज 205 मिली वॉट। और अगर इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.205 वॉट हो जाएगी, तो अगेन इट इज लेस देन द पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर आर थ्री विच इज 0.5 वॉट, तो ये भी डैमेज नहीं होगा, ये भी
ओके रहेगा, इसी तरह आर टू डैमेज हो जाएगा। हम आर फोर रजिस्टर की बात करें तो उसकी पावर रेटिंग 0.5 गिवन है, और जो हमने कैलकुलेट किया उसकी पावर दैट इज़ अगर इसको वॉट में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 0.743 वॉट विच इज़ ग्रेटर देन द पावर रेटिंग ऑफ द रजिस्टर। सो रजिस्टर जो है आर फोर वो इस पावर को हैंडल नहीं कर सकेगा और डैमेज हो जाएगा। इट मीन्स कि इस सर्किट में आपके पास आर वन और आर टू सर्किट की पावर को हैंडल कर सकते हैं, फॉर लाइक पी वन को और पी थ्री को वो हैंडल कर सकते हैं, जबकि रजिस्टर आर टू और आर फोर क्योंकि उनकी पावर आपके पास 0.608 वॉट और 0.743 वॉट है तो वो रजिस्टर इस पावर को हैंडल नहीं कर सकेंगे और वो डैमेज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट्स की कि सर्किट में वोल्टेज को कैसे मेजर किया जा सकता है। वोल्टेज इज अ रिलेटिव, दैट इज द वोल्टेज एट वन पॉइंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज मेजर्ड रिलेटिव टू अनदर पॉइंट। दिस रेफरेंस पॉइंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड द ग्राउंड और कॉमन पॉइंट। मतलब जब भी आपके पास कोई एक सर्किट होगा और आपको कहा जाए कि आप उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट करें, तो आपने वो वोल्टेज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको सर्किट में कहा जाए कि पॉइंट ए के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट करें, तो आप वो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमेशा देयर आर टू पॉइंट्स जिनके दरमियान में वोल्टेज फाइंड आउट की जाती है। आपके सामने ये दो सर्किट हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज 100 वोल्ट है सपोज, और इस पॉइंट पे 50 वोल्ट है और इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है। जब आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके पास वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड पॉजिटिव आएगी, और ये 100 वोल्ट एक्चुअली वोल्टेज इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, दिस 50 वोल्ट इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, एंड दिस 10 वोल्ट इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। इसी तरह अगर आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास जो वोल्टेजेस आएंगी एट पर्टिकुलर पॉइंट्स वो नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पे वोल्टेज देखेंगे तो ये आपको शो करेगा -100 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज -50 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज -10 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू वोल्टेज मेजरमेंट, डिटरमिन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ ईच ऑफ द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन ईच सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। एज्यूम दैट 25 वोल्ट आर ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट ए को कि इसमें हर पॉइंट पे वोल्टेज कितनी कितनी है। जब कभी आपके पास कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो लाइक वी इज इक्वल टू 3 वोल्ट, इट मींस कि आप इस साइड पे देखें अगर लेफ्ट साइड पे कि वी का जो सबस्क्रिप्ट है वो ए है, इट मींस कि आप वोल्टेज देख रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड। और जब कभी ऐसे लिखा हो वी ए बी 5 वोल्ट, इट मींस कि वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। जब आपके पास सिंगल सबस्क्रिप्ट होगा तो इट मींस के वन पॉइंट इज दैट पॉइंट ए एंड अदर पॉइंट इज ग्राउंड, लेकिन आपके पास जब डबल सबस्क्रिप्ट होंगे ए बी, इट मींस के वोल्टेज एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इस सर्किट में हम देखते हैं सर्किट ए में सबसे पहले हम देखते हैं वी ई किसकी इक्वल है। सबसे पहले हम सर्किट ए की बात करते हैं,
VE is equal to 0 volt, क्योंकि ये ग्राउंड पे और ग्राउंड पर पोटेंशियल जीरो होता है. जब हम VA की बात करेंगे तो वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड, आप देख सकते हैं कि ये 100 वोल्ट्स है. इसी तरह जब हम पॉइंट B की बात करेंगे, VB वोल्टेज एट पॉइंट B, तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज एट पॉइंट A इज 100 वोल्ट्स और हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमने ये ज्यूम किया था कि 25 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं. तो VB को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि VA में से हम इसके क्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, जो कि इस केस में 25 वोल्ट है, उसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75 वोल्ट. इसी तरह जब VC की हम बात करेंगे तो VC आपके पास क्या होगा, VB माइनस 25 वोल्ट, तो ये आपके पास 50, तो VC आपके पास आ जाएगा 50 वोल्ट के इक्वल. और जब हम VD की बात करेंगे तो VC में से आप 25 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 वोल्ट. इसी तरह अगर हम सर्किट बी की बात करते हैं तो आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि अब आपके पास ग्राउंड, पहले आपके पास ग्राउंड सर्किट ए में ई के साथ कनेक्टेड था, ई पॉइंट के साथ, अब इस केस में आपके पास जो ग्राउंड है वो डी के साथ कनेक्टेड है. तो सबसे पहले हम वी ई की वोल्टेज देखते हैं, तो क्योंकि वी ई का मतलब है कि वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, और हमें पता है कि हर रेजिस्टर के क्रॉस 25 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो वी ई आपके पास इस केस में आ जाएगा माइनस 25 वोल्ट. अब हम बात करते हैं वी ए की, तो वी ए आपके पास इस केस में आ जाएगा, आप इस पॉइंट से ग्राउंड तक आएं तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में आपके पास एक 100 वोल्ट्स है और एक 25 वोल्ट्स है. तो 100 में से आपने 25 को माइनस कर देना है तो वी ए आपके पास आ जाएगा 75 वोल्ट. जब हम वी बी की बात करेंगे तो आप वी ए में से 25 वोल्ट जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा वी बी 50 वोल्ट के इक्वल. और इसी तरह जब हम वी सी की बात करेंगे तो वी बी में से आप इस पॉइंट में से जो वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, जो कि 20 वोल्ट्स हैं, तो वो माइनस कर देंगे तो आपके पास 50 माइनस 25 25 वोल्ट्स आ जाएंगे. और जो वी डी है, डी पॉइंट इज कनेक्टेड विद ग्राउंड, सो वोल्टेज एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट. अब हम बात करते हैं सर्किट सी की. सर्किट सी में आपके पास जो ग्राउंड है वो सी के साथ कनेक्टेड है. तो सबसे पहले हम अगेन वी ई फाइंड आउट करते हैं, तो वी ई इज इक्वल टू, आपने इस पॉइंट से मूव करते हुए ग्राउंड तक जाना है, बिकॉज वी इज द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट ई टू ग्राउंड. तो इसके रास्ते में आप देख सकते हैं कि टू रेजिस्टर्स आ रहे हैं और जिनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दोनों के क्रॉस 25 और 25 वोल्ट्स हैं. तो इस पॉइंट से जब आप ग्राउंड तक जाएंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी माइनस 50 वोल्ट. इसी तरह जब हम वी डी को देखेंगे तो वी डी इज द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट डी टू ग्राउंड. तो हमें पता है कि हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 25 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, तो आपके पास वी डी आ जाएगा माइनस 25 वोल्ट.
और जब हम बात करेंगे वी ए की, तो वी ए इज इक्वल टू, अब आपने पॉइंट ए से ग्राउंड तक जाना है, तो आपके पास यहाँ पे 100 वोल्ट्स हैं और ये दोनों वोल्टेजेस 25 और 25 100 में से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास वी ए आ जाएगा 50 वोल्ट के इक्वल। और वी बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 50 में से जो वोल्टेज इसके क्रॉस है 25 वोल्ट, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास वी बी आ जाएगा 25 वोल्ट। और जो वी सी है, क्योंकि पॉइंट सी इज कनेक्टेड विद ग्राउंड, तो आपके पास पॉइंट सी पे जो वोल्टेज होगी वो 0 वोल्ट्स होगी। तो इस तरह आप हर पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसी सर्किट में विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो आपने फॉर एग्जांपल वी ए फाइंड आउट करना है, तो आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह के, उसकी एक लीड कनेक्टेड होगी पॉइंट ए के साथ और दूसरी ग्राउंड के साथ। और इसी तरह अगर इस सर्किट में आप वी बी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट इस तरह करना है कि एक लीड कनेक्टेड होगी बी के साथ और दूसरी लीड कनेक्टेड होगी ग्राउंड के साथ। तो इस तरह आप वोल्टेज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और वोल्टेज की मेजरमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसके साथ ही हमारे जो टॉपिक्स थे रिलेटेड टू सीरीज सर्किट वो कंप्लीट होते हैं, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं सीरीज सर्किट से रिलेटेड। हमने सबसे पहले सीरीज सर्किट में ये देखा था कि आरटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीरीज सर्किट में आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंसेस होती हैं, आप उन सबको ऐड अप करके आरटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एन इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टर की वैल्यू के साथ, तो आपके पास आरटी आ जाता है। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जब आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हों। फिर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा था। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। और ये किरचॉफ्स लॉ की एक और फॉर्म है, इसमें जस्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया गया है, वी एस माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री एंड सो ऑन माइनस वी एन तक, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसमें हम इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप एंड सोर्स वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला पढ़ा था, विच इज़ वी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर टी इंटू वी एस। इस फार्मूला को यूज़ करके हम सीरीज सर्किट में डायरेक्ट वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमने एट द एंड देखा था कि टोटल पावर सीरीज सर्किट में कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाता है पी टी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री टू पी एन। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो आप स्लाइड पे देख सकते हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमें इन टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर वन, कनेक्ट ईच सेट ऑफ रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग फिगर इन सीरीज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फिगर ए में आप देख सकते हैं कि आपके पास थ्री रेजिस्टर्स हैं, ये आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। आपने इन रेजिस्टर्स को पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान इन सीरीज कनेक्ट करना है, तो आप
इन रजिस्टर्स को रीड्रॉ करते हैं हम ऐसे, जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रजिस्टर को आर वन को आर टू और आर थ्री के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आर वन को हम कनेक्ट कर देते हैं इस रजिस्टर के साथ और इसी तरह आर टू को हम कनेक्ट कर देते हैं इस रजिस्टर के साथ। तो क्या ये कनेक्शन ठीक है, क्योंकि ऑल दो ये एक सीरीज सर्किट बन गया है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कनेक्ट ईच सेट ऑफ रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर इन सीरीज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इस केस में आपने आर टू को बी के साथ कनेक्ट नहीं करना, बल्कि आर टू को आपने कनेक्ट करना है आर थ्री के साथ। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ आर थ्री के साथ लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको आपके पास तीनों रजिस्टर्स लाइक दिस सीरीज में कनेक्टेड हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसी तरह हम सर्किट पार्ट बी में जो फिगर है, इसमें जो रजिस्टर्स गिवन हैं, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। आर वन को आप कनेक्ट करेंगे आर टू के साथ, आर टू को आप कनेक्ट करेंगे आर थ्री के साथ, आर थ्री को आप कनेक्ट करेंगे आर फोर के साथ, और आर फोर को आप कनेक्ट करेंगे आर फाइव के साथ, ऐसे। तो इस तरह आपने इन पांचों रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की रिलेटेड टू करंट इन अ सीरीज सर्किट। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट इफ द टोटल वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज 120 ओम। जैसे कि हमें पता है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी बाय आर हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। V की जगह आप वैल्यू पुट करें 12 वोल्ट और R की जगह वैल्यू पुट करेंगे 120 ओम, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 100 मिली एम्पियर। सो दिस करंट 100 मिली एम्पियर इज द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की रिलेटेड टू टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट आर टी फॉर ईच सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। फिगर ए में आपके पास थ्री रजिस्टर्स हैं, अब इन तीनों रजिस्टर्स का आपने आर टी फाइंड आउट करना है। तो आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू और आर थ्री की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आर टी इस केस में आ जाएगा 8.8 किलो ओम्स। अब सर्किट बी की बात करते हैं, उसका आर टी फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन इसमें जो चारों रेजिस्टर्स हैं, इसको हम आर वन कह देते हैं, इसको आर टू, इसको आर थ्री और इसको आर फोर। अब इन चारों की वैल्यूज इसमें पुट करके इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आर टी आ जाएगा 27.7 ओम। सो
सर्किट है, मैं आपके पास आर टी आया था 8.8 किलो ओम, वेयर दिस रेजिस्टर इज आर वन, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री। सर्किट सी में आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगेन आप इनको नाम दे दें, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है और ये आर फाइव है। तो इस केस में आपके पास आर टी क्या बनेगा, लेट सी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। इस इक्वेशन में आप आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 17.84 ओम। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ रेजिस्टर्स की वैल्यू मेगा ओम में और कुछ की किलो ओम में। तो आपने इन सब रेजिस्टर्स की वैल्यू को जो किलो ओम में, उनको मेगा ओम में कन्वर्ट करना है और देन उसको उन रेजिस्टर्स में ऐड करना है जो ऑलरेडी मेगा ओम्स में है। तो हमने इस तरह देखा है कि हमने तीनों रेजिस्टर्स को, तीनों सर्किट्स को सॉल्व किया है और तीनों की आर टी फाइंड आउट की है। तो सर्किट ए की आर टी आपके पास 8.8 किलो ओम आ गई, सर्किट बी की आर टी आपके पास 27.7 ओम आ गई और सर्किट सी की आर टी आपके पास आ गई 17.84 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर टू, 656 ओम रेजिस्टर्स, 8 100 ओम रेजिस्टर्स एंड 222 ओम रेजिस्टर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो एक मेथड है वो ये है कि आप इन 6 रेजिस्टर्स को ऐड करें, 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 एंड प्लस 56, देन 8 100 रेजिस्टर्स को ऐड करें और देन 222 ओम रेजिस्टर्स को ऐड करें। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आप इस फार्मूला का यूज़ करें, क्योंकि आपके पास 6 इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं तो आप एन की जगह 6 पुट करें और 56 पुट कर दें उस रजिस्टर की वैल्यू, प्लस एन की जगह 8 पुट करें और उस रजिस्टर की वैल्यू 100 पुट कर दें, प्लस एन की जगह 2 पुट करें और उस रजिस्टर की वैल्यू पुट कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 336 ओम। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 800 ओम। जब 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 44 ओम। और इन सब को आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1180 ओम। तो आपके पास आर टी आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव द फॉलोइंग रेजिस्टर्स वैल्यू अवेलेबल टू यू इन द लैब इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। 10 ओम आपके पास है, 100 ओम आपके पास है, 470 ओम है, 560 ओम है, 680 ओम है, 1 किलो ओम है, 2.2 किलो ओम है और 5.6 किलो ओम है। ऑल ऑफ द अदर स्टैंडर्ड वैल्यूज आर आउट ऑफ स्टॉक। अ प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन रिक्वायर्स एन 18 किलो ओम रेजिस्टेंस। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द अवेलेबल वैल्यूज वुड यू यूज इन सीरीज टू अचीव दिस टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको एक 18 किलो ओम की रेजिस्टेंस चाहिए और आपके पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं वो ये हैं। अब आपने 18 किलो ओम कैसे बनाना है, तो अब इनको हम एक ऐसा कम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके पास 18 किलो ओम आ जाए। अगेन हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे।
आर्ट इज इक्वल टू एन आर, तो 18 किलो ओम बनाने के लिए अगर आप 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर्स लें और 400 ओम के रेजिस्टर्स लें, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और 100 को और 8 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास और आप आफ्टर एडिशन इन दोनों की आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 18 किलो ओम है, व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू। इसका एक और कॉम्बिनेशन भी आपके पास बन सकता है, अगर आपके पास 5.6 किलो ओम के रेजिस्टर्स हों, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर हो और 200 ओम के रेजिस्टर्स हों, तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करके जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.8 किलो ओम बन जाएगा। ये आपके पास 1 किलो ओम है और ये 200 ओम बन जाएगा, और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 18 किलो ओम आ जाएगा। इट मींस कि आप 18 किलो ओम बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं या आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि सर्किट के ऊपर आप ओम्स लॉ को अप्लाई करके डिफरेंट क्वांटिटीज की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास ये एक सर्किट है जो कि सीरीज सर्किट है, इसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। एज वी नो दैट RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 की वैल्यू 1 मेगा ओम पुट करें, R2 की वैल्यू 2.2 मेगा ओम पुट करें और R3 की वैल्यू 560 किलो ओम पुट करें, और क्योंकि ये 560 किलो ओम है इसको जब आप मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.56 मेगा ओम बन जाएगी, और जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आरटी आ जाएगा 3.76 मेगा ओम। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सर्किट में करंट कितना होगा, तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, आईटी इज इक्वल टू वीएस बाय आर टी। तो वीएस जो हमें गिवन है दैट इज 16 वोल्ट और आरटी जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 3.76 मेगा ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.26 माइक्रो एम्पीयर्स। एंड दिस इज द करंट 4.26 माइक्रो एम्पीयर फ्लोइंग इन दिस सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2, 4 इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज विद अ 5 वोल्ट बैटरी। अगर इस सर्किट को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास 4 इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, इन सब की वैल्यू R है, सेम वैल्यू है, और जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की है और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 2.23 मिली एम्पियर है। व
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर, हमने हर रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर टी इज इक्वल टू वीएस बाय आई टी, वीएस की वैल्यू 5 वोल्ट पुट करें और आई टी की वैल्यू 2.23 मिली एम्पियर पुट करें। आर टी आपके पास आ जाएगा 2.24 किलो ओम। एंड एज वी नो दैट आर टी इज इक्वल टू एन आर, एन की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू आर टी बाय एन, आर टी की वैल्यू जब मैं 2.24 किलो ओम पुट करूंगा और एन की वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा तो आपके पास ईच रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी 560 ओम। मीन्स कि आपके पास ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये 560 ओम के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। अब ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें सोर्स वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 65.8 मिली एम्पियर, आर वन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है जबकि आर वन के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है विच इज 21.7 वोल्ट। इसी तरह आर टू के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है, आर थ्री के क्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है और आर फोर के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है और हमें आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर की वैल्यूज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट आर वन इज इक्वल टू वी वन बाय करंट, टोटल करंट, आर टू इज इक्वल टू वी टू बाय टोटल करंट, वी वन इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर वन एंड वी टू इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर टू। सिमिलरली आर थ्री इज इक्वल टू वी थ्री बाय आई, वी थ्री इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर थ्री एंड आर फोर इज इक्वल टू आर फोर इज इक्वल टू वी फोर बाय आई एंड वी फोर इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर फोर। हमें हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है और हमें टोटल सर्किट करंट गिवन है, सोर्स वोल्टेज हमें गिवन नहीं है और हमने हर रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसे 4 इक्वेशंस आ जाएंगी बाई यूजिंग ओम्स लॉ। अब आप इसमें V1 की वैल्यू 21.7 वोल्ट पुट करें और करंट की वैल्यू 65.8 पुट करें मिली एम्पियर। इसी तरह इसमें V2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 14.5 वोल्ट और करंट की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन 65.8 मिली एम्पियर। V3 की हम वैल्यू पुट करेंगे 6.58 वोल्ट और करंट की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन 65.8 मिली एम्पियर और V4 की वैल्यू हम पुट करेंगे 30.9 वोल्ट और I की वैल्यू हम पुट करेंगे 65.8 मिली एम्पियर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 330 ओम और जब आप R2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 220 ओम और R3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 ओम और R4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 470 ओम। तो ये क्वेश्चन जो पिछले कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें हमने सर्किट्स को एनालाइज किया था कि सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करते हैं, फिर IT फाइंड आउट करते हैं और देन फिर हम
वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज ड्रॉप्स गिवन थे, आपको टोटल करंट गिवन था, आपको सोर्स वोल्टेज का नहीं पता था, लेकिन बाय यूजिंग ओम्स लॉ इन इक्वेशंस को यूज करके हमने आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, डिटरमिन वी आर वन, आर टू एंड आर थ्री इन दी फॉलोइंग सर्किट। अब इस सर्किट में जो टोटल सोर्स वोल्टेज गिवन है वो 12 वोल्ट है, आर वन की वैल्यू 82 ओम गिवन है, आर टू की वैल्यू आपको गिवन नहीं है और आर थ्री के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है विच इज़ 2.21 वोल्ट और टोटल सर्किट करंट भी गिवन है विच इज़ 12.3 मिली एम्पियर। अब जैसे कि हमें पता है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम फ्लो करता है, तो यही करंट 12.3 मिली एम्पियर आर वन में से भी पास कर रहा है, तो हम वी वन फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आर वन इज इक्वल टू करंट आई इंटू आर वन, इसमें करंट आई की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 12.3 मिली एम्पियर और आर वन की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 82 ओम। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर वन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.01 वोल्ट। तो इस तरह हम वी आर वन कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर टू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो वी टू बाय आई होगा। अब इसमें हमें वी टू की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वी टू की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एज वी नो बाय केवीएल, वी एस इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी एस की वैल्यू आपको जो गिवन है वो 12 वोल्ट है, वी वन की वैल्यू हमने अभी जो कैलकुलेट किया है दैट इज़ 1.01 वोल्ट है, वी टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और वी थ्री की वैल्यू आपके पास 2.21 वोल्ट है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी टू आपके पास आ जाएगा 8.78 वोल्ट। अब वी टू की ये वैल्यू 8.78 वोल्ट आप यहाँ पुट कर लें और इसको डिवाइड कर दें करंट के साथ, तो आपके पास आर टू की वैल्यू आ जाएगी 714 ओम। और इसी तरह आर थ्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर थ्री इज इक्वल टू वी थ्री बाय करंट, वी थ्री की वैल्यू गिवन है हमें 2.21 वोल्ट और आई की वैल्यू हमें गिवन है 12.3 मिली एम्पियर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर थ्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 ओम। तो इस तरह हमने वी आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू और आर थ्री की वैल्यू इस सर्किट में फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज मीन्स कि जब आपके पास वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उसका टोटल इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो डीसी बैटरी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो लेट्स सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, सीरीज एडिंग इज अ टर्म sometimes used to describe voltage sources of the same polarity in series. For example, अगर आपके पास एक 5 volt की battery है
जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और एक और आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है जिसकी डायरेक्शन आपके पास ऐसे है। अब क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस प्लस माइनस प्लस, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल इफेक्ट आएगा दैट विल बी लाइक दिस। टोटल 9, 5, 14 हो जाएगा और आपके पास जो टोटल इफेक्ट आ गया है वो 14 वोल्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सीरीज अपोजिंग मीन्स दैट सोर्सेज आर इन सीरीज विथ अपोजिट पोलैरिटीज। इफ अ 12 वोल्ट एंड अ 3 वोल्ट बैटरी आर सीरीज अपोजिंग, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज। अब इस केस में आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, जिसकी डायरेक्शन ये है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, और एक और बैटरी है लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लाइक दिस। यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी 12 में से 3 को आपने माइनस कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो इनका इफेक्ट ऐड नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। तो आपके पास टोटल वोल्टेज आएगी आ जाएगी 9 वोल्ट, उसकी पोलैरिटी होगी लाइक दिस। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, जो आप फ्यूचर में सर्किट्स एनालाइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब आपके पास बैटरी इस वर्टिकल डायरेक्शन में हो कि नीचे नेगेटिव हो ऊपर पॉजिटिव हो, तो इसको आपने पॉजिटिव बैटरी अज्यूम करना है, और जब वर्टिकल बैटरी की पोलैरिटीज ये हो कि ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, तो इस बैटरी को आपने नेगेटिव अज्यूम करना है। इसी तरह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर आपकी बैटरी की पोलैरिटीज इस तरह है तो इसको आपने पॉजिटिव लेना है, और इसी तरह अगर आपके पास बैटरी की डायरेक्शन ऐसे है कि इस लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आपके पास पोलैरिटी और राइट साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये आपके पास नेगेटिव बैटरी बन जाएगी। क्योंकि जब भी हम सर्किट्स में करंट की बात करेंगे तो वो कन्वेंशनल करंट होगा, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जब बैटरी आपके पास ऐसे होगी तो ऐसे होगा, तो इसका लीविंग पॉइंट जो होगा करंट का वो पॉजिटिव साइड से लीव कर रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया है। इस केस में आपके पास करंट की डायरेक्शन अगर आप अपवर्ड ही लें तो क्योंकि आप करंट नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कह देंगे। इसी तरह अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव साइड से लीव कर रहे, तो इसको हम पॉजिटिव कह देते हैं, और अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन यही है और इस केस में आप देख सकते हैं कि करंट नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है, तो इसको हमने फिर नेगेटिव बैटरी कह देना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन द टोटल सोर्स वोल्टेज इन ईच सर्किट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास 3 सर्किट हैं, सर्किट ए सर्किट बी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें किसी सर्किट में 3 बैटरीज हैं, किसी में 2 बैटरीज हैं, तो इसका टोटल इफेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सर्किट ए में देखें कि अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन क्लॉक वाइज हो तो आप इसको कैसे इसका टोटल इफेक्ट लिखेंगे। अगर आपका करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो इसको
प्लस 8 वोल्ट मैं कह देता हूँ। फर्दर करंट यहाँ जाता है, नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव साइड से लीव कर रहा है, तो इसको मैं प्लस 10 वोल्ट कह देता हूँ। और फर्दर आगे करंट जाके पॉजिटिव साइड से लीव कर रहा है, जिसको प्लस 5 कह देता हूँ। तो इस तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सोर्स वोल्टेज बन जाएगा सर्किट ए में 23 वोल्ट्स। सर्किट बी में आप देखें, अगेन आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लें। अभी इस केस में आप देखें 10 वोल्ट की बैटरी में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है और नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है, तो लीविंग पॉइंट हमने लेना है और लीविंग पॉइंट पे जो साइन होगा वो हम यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा -10 वोल्ट। अगेन आप आगे जाएं 50 वोल्ट की जो बैटरी है उसके नेगेटिव साइड से करंट लीव कर रहा है, तो ये 50 वोल्ट बन जाएगा। और फर्दर आप आगे जाएं तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव साइड से करंट लीव कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास 25। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास -35 वोल्ट बन जाएगा। सर्किट ए में आपके पास जो टोटल वोल्टेज आई है दैट इज 23 वोल्ट्स और बैटरी की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी। सर्किट बी में आपके पास जो टोटल वोल्टेज आई है दैट इज -35 वोल्ट और इस केस में आपके पास जो बैटरी की डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस 35 वोल्ट। द नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ बैटरी इज अपोजिट। इसी तरह सर्किट सी में आप देखें कि अगर आपके पास करंट अगेन क्लॉकवाइज है तो करंट का जो लीविंग पॉइंट है दैट इज पॉजिटिव, इसको प्लस 8 लिख देते हैं, और जब करंट आगे जाएगा तो उसका लीविंग पॉइंट नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास 0 वोल्ट आ जाएगा। तो इस सर्किट में आपके पास टोटल सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं रिलेटेड टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने देखा था जिसकी डेफिनेशन थी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। तो इस केवीएल से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज 5 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज विद अ 20 वोल्ट सोर्स, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच 4 ऑफ द रेजिस्टर्स आर 1.5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। हाउ मच वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस द 5th रेजिस्टर। आपके पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें आपके पास 5 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। इनको हम नाम दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। और जो आपको सोर्स वोल्टेज गिवन है दैट इज 20 वोल्ट। अब इन 5 में से 4 रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स गिवन है विच इज 1.5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। सपोज हमें R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है दैट इज 1.5 वोल्ट, R2 के क्रॉस 5.5 वोल्ट, R3 के क्रॉस 3 वोल्ट,
और R4 के क्रॉस 6 वोल्ट है। अब हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R5 फाइंड आउट करना है, तो बाय KVL वी नो दैट VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। सो V5 इज इक्वल टू VS माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस V4। तो जब आप इसमें VS20 पुट करेंगे, V1, V2, V3, V4 को इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास V5 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। तो इट मीन्स कि R5 के क्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द अनस्पेसिफाइड वोल्टेज ड्रॉप्स इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर एंड शो हाउ टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू मेजर ईच अननोन वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें आपको सोर्स वोल्टेज 15 गिवन है, आपको इस रेजिस्टर के क्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है। अगेन बाय KVL VS इज इक्वल टू, अगर इसको हम V1 कह दें, इस वोल्टेज ड्रॉप को V2 कह दें, इस वोल्टेज ड्रॉप को V3 कह दें, इस वोल्टेज ड्रॉप को V4 कह दें, इस वोल्टेज ड्रॉप को V5 कह दें और इस वोल्टेज ड्रॉप को V6 कह दें, तो बाय KVL हमारे पास VS विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 एंड प्लस V6। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, VS इज इक्वल टू 15 वोल्ट, V1 इज 2 वोल्ट, V2 हमने फाइंड आउट करना है, V3 इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट, V4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V5 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड V6 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके V2 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 6.8 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने KVL अप्लाई करके वोल्टेज V2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन द अनस्पेसिफाइड वोल्टेज ड्रॉप इन दिस सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर, शो हाउ टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू मेजर ईच अननोन वोल्टेज ड्रॉप। अब आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि आपको सिर्फ इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है और बाकी किसी रेजिस्टर के क्रॉस इवन के वोल्टेज सोर्स भी आपको गिवन नहीं है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास रेजिस्टर R है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रेजिस्टर R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 8 वोल्ट। तो इसी तरह ये रेजिस्टर भी आपके पास R है तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज 8 वोल्ट ही होगा। अब ये जो रेजिस्टर है ये आपके पास 2R है, अब इस रेजिस्टर की वैल्यू इस रेजिस्टर के मुकाबले में डबल हो गई है, ये R था अब ये 2R हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे फिर 16 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3R इज इक्वल टू 24 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4R रेजिस्टर इज इक्वल टू 32 वोल्ट। टोटल सोर्स वोल्टेज VS इज इक्वल टू, आप इन सब वोल्टेजेस को ऐड करेंगे क्योंकि
ये सर्किट सीरीज सर्किट है तो इसमें सारी वोल्टेजेस ऐड होके सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ जाएंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 88 वोल्ट के इक्वल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड R1, R2 एंड R3 इन दी फॉलोइंग सर्किट। आपके पास अभी एक सर्किट है जिसमें सोर्स वोल्टेज 9 वोल्ट गिवन है, R1 के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, R2 की आपको पावर गिवन है विच इज 22 मिलीवाट और R3 के क्रॉस ना आपको वोल्टेज गिवन है ना आपके पास R3 की वैल्यू है और आपको टोटल सर्किट करंट भी गिवन है विच इज 10 मिली एम्पियर। अभी सर्किट में हमने R1, R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं R1 की। एज वी नो दैट R1 इज इक्वल टू V बाय I, क्योंकि हम R1 रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हम V1 यहाँ लिखेंगे विच इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो V1 की वैल्यू इसमें हम 5.6 वोल्ट पुट करेंगे और I की वैल्यू हम 10 मिली एम्पियर पुट करेंगे। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 560 ओम। तो R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 560 ओम की इक्वल। अब हम बात करते हैं R2 की। तो R2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये पता है कि R2 रजिस्टर की जो पावर है P2 वो गिवन है 22 मिली वॉट। एज वी नो P इज इक्वल टू VI, तो यहाँ से हम R2 के क्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू P/I, P की वैल्यू आप 22 मिली वॉट पुट करें और करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर पुट करें, मिली से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 2.2 वोल्ट और ये आपके पास होगा V2। तब आपके पास V2 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं V2/I, तो V2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 2.2 वोल्ट और करंट की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 मिली एम्पियर, तो R2 आपके पास आ जाएगा 220 ओम के इक्वल। अब हम R3 की बात करते हैं। R3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू VS/ करंट। तो VS इज 9 वोल्ट, करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो RT आपके पास आ गया है 900 ओम्स के इक्वल। सो एज वी नो दैट RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R3 को हम लिख सकते हैं RT माइनस R1 माइनस R2। इस इक्वेशन में आप RT की वैल्यू 900 ओम पुट करेंगे, R1 की वैल्यू 560 ओम पुट करेंगे और R2 की वैल्यू 220 ओम पुट करेंगे तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 120 ओम के इक्वल। तो इस सर्किट में हमने R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ R4। अब इस सर्किट में VS हमें गिवन नहीं है जबकि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी गिवन है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी गिवन है।
इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है और इसके क्रॉस पे जितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है, और R4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये गिवन नहीं है, जबकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है। तो सीरीज सर्किट में हमें पता है कि करंट सेम होता है, तो हम इस रेजिस्टर से करंट फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो IT को हम लिख सकते हैं V/R। तो हम इस रेजिस्टर को लेते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 11.2 वोल्ट और रेजिस्टर की वैल्यू है 56 ओम। तो आपके पास करंट आ जाएगा 200 मिली एम्पेयर के इक्वल। अब आपके पास सर्किट का टोटल करंट आ गया है 200 मिली एम्पेयर। अब इस रेजिस्टर में से भी यही करंट पास कर रहा है, तो R4 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से V/I, और वोल्टेज गिवन है 4.4 वोल्ट इस रेजिस्टर के क्रॉस R4 के क्रॉस, और I जो टोटल करंट सर्किट में से पास कर रहा है दैट इज 200 मिली एम्पेयर। तो आपके पास R4 की वैल्यू आ जाएगी 22 ओम। तो क्वेश्चन 5 में हमने R4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज़ 22 ओम। तो इस लेक्चर में हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू सीरीज सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सीरीज सर्किट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।